हमारी गौ माताओं को काटा जाता है, गौ मांस को एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन आज मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल का, जो गौ मां की रक्षा के लिए निरंतर दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात कसाईयों से लोहा लेकर अपने ऊपर FIR करवाकर फिर भी गौ माता की रक्षा, गौ माता के प्राण बचा रहे हैं, वो है हमारा दल बजरंग दल। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे ऐसे युद्ध लड़े जो भूतो ना भविष्य कोई भूल नहीं सकता। मात्र 15 साल की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारत को हिंदवी स्वराज का एक सपना लेकर, एक संकल्प लेकर उन्होंने आगे बढ़ा। 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोरण के किले पर अपना कब्जा जमाया। उस तोरण के किले को जीतने के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज को जो हिंदुओं से लूटा हुआ धन, मंदिरों से लूटा हुआ धन, वो तोरण के किले से जब छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलता है, वही धन से एक विशाल सेना का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। लगभग 2 साल तक अपनी सेना को बढ़ाने का काम किया। उसके बाद में तुरन हो, कोंडाना हो, चाकन हो, राजगढ़ हो, ऐसे सभी किलों पर उन्होंने भगवा झंडा लहराया। आज मैं गर्व करता हूं कि मैं इसी धरती पर आकर उनके बारे में बात कर रहा हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले हैं। आप सब में छत्रपति शिवाजी महाराज का खून दौड़ता है। आप ऐसी धरती में आपका जन्म हुआ है। साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का वो किस्सा मैं आप सबको बताना चाहूंगा जो हर बच्चे को पता है और आने वाले समय में हर बच्चा आने वाली अपनी पीढ़ी को बताना है कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का सीना चीर कर भगवा लहराया था। दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की हुकूमत थी। वो समय पर सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खान को भेजा बड़ी सेना देकर कि तुम कुछ भी करो, क्या भी करो, बस शिवाजी को पकड़ो जिंदा या मुर्दा। बड़ी सेना लेकर आदिल शाह चलता, बड़ी सेना लेकर अफजल खान चलता है शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए। लेकिन प्रतापगढ़ किले में रहते हैं शिवाजी महाराज, आजू बाजू अफजल खान की सेना, लेकिन अफजल खान में यह हिम्मत नहीं थी कि वो किले में घुस जाए। उतना खौफ अफजल खान के दिल में था कि मैं सबसे लड़ सकता हूं लेकिन शिवा से नहीं लड़ सकता। और जब अफजल खान जब आ रहा था तो हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा उसने, तुलजा भवानी मंदिर को तोड़ा उसने, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, बहुत अत्याचार किया। जीजा मैया ने आदेश दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज को, किसी भी हाल में इस का सीना फाड़ना है। शिवाजी महाराज ने योजना रची, पत्र लिखा, 2 मुलाकात हुई, लेकिन गद्दार तो गद्दार ही होता है। अफजल खान कौन था? एक मुसलमान था। अफजल खान कौन था? और यह मुसलमान हमेशा से इनकी एक आदत रही है कि ये पीछे से वार करते हैं, पीछे से। अफजल खान भी सोचा कि मैं शिवाजी को तो कस के मार दूंगा, उतना बलशाली अफजल खान, उसने सोचा कि मैं दबा के मार दूंगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज भी उसकी ताकत के बारे में जानकर वो समय पर शिवाजी महाराज ने बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया। वो समय पर बुलेट प्रूफ जैकेट, चाहे कितनी भी कोई ताकत लगा ले लेकिन उसको उस नहीं हो सकता। उस प्रकार से योजना बनाकर उस अफजल खान से मिलने जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज।
जब वो पीछे से हमला करता है तो अफजल खान का पेट फाड़ने का काम शिवाजी महाराज करते हैं। पेट फाड़ा, अतड़िया बाहर निकाली और भगवा लहराया हमारे शिवा ने। अभी उस की एक खबर थी, उस अफजल खान की खबर का क्या हुआ, क्या हुआ उसकी खबर का हाल, उखाड़ के फेंक दिया गया। मैं हमारे महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने उस अफजल खान की खबर को तोड़ फोड़ के नामो निशान मिटा दिया, उसी प्रकार से संभाजी नगर में भी एक खबर उपस्थित है। शौचालय बनाना है, यह मैं महाराष्ट्र की सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वो काम आपने कर दिया तो आने वाले समय में महाराष्ट्र का हर वो हिंदू का आशीर्वाद आपको मिलेगा थतास्तु के माध्यम से। क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? नहीं। वहां पर शौचालय बनना है या नहीं बनना है? अरे जिसने मेरे शिवा को मारा, जिसने मेरे संबा को मारा, चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, बहुत से बहुत 40 डेज है, तो राजा सिंह को हराने के लिए वहां की बीआरएस सरकार, एमआईएम की सरकार, अभी क्या एमआईएम के हाथ में इन बीआरएस की स्टेरिंग है, 300 करोड़ रुपए मुझको हराने के लिए पैसा रखा गया, 300 करोड़ रुपए राजा सिंह को हराने के लिए प्लान किया गया। सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, विदेशों में बैठे हुए आतंकवादी भी अब पैसा बिछाएंगे राजा सिंह को हराने के लिए। तो हमारे तेलंगाना के भाई बंधुओं कहना चाहूंगा कि तुम कितने में बिकोगे ये तुम सोच लो, 5,000 में बिकोगे, 10,000 में बिकोगे, कितने में तुम बिकोगे ये तुम सोच लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर 5,000 में बिकोगे तो 5 साल तक नहीं खा सकोगे, 10,000 में बिकोगे तो 5 साल तुम नहीं खा सकोगे, लेकिन अगर आपका भाई अगर हार गया तो ये मत सोचो कि हिंदुत्व का कार्य खत्म होगा, और तेजी से मैं हिंदुत्व का कार्य करूंगा। आज मैं विधायक हूं, ठीक है मेरी कुछ लिमिट थी, सोचता था बोलने के लिए कर यार विधायक हूं कहीं हमारे बड़े लोग नाराज ना हो जाए, लेकिन अगर मैं विधायक नहीं रहूंगा तो तुम्हारे को चुन चुन के मारूंगा। पुराने वाला राजा सिंह बहुत शरीफ था, यानी 2009 से पहले का राजा सिंह की हिस्ट्री बहुत ही सुंदर हिस्ट्री है। मैं भार कम जेल में ज्यादा रहता था, कभी 3 महीने चले गया अंदर, कभी 6 महीने चले गया अंदर, कभी 50 दिन चले गया अंदर, अभी एमएलए बनने के बाद मैं 80 दिन आराम करके आया हूं। तो ये मत सोचो मेरे भाइयों कि हमारा पुलिस भाई आपके ऊपर एफआईआर लगाएगा, आप जेल में जाओगे, जेल में जाके आने के बाद में नहीं नहीं मैं धर्म का कार्य नहीं करूंगा, ये मत सोचो। आपके ये छोटे भाई को याद कर लेना कि राजा सिंह भैया जब जेल जा सकते हैं हिंदुत्व के लिए तो हम क्या चीज है, हम भी जाएंगे जेल हिंदुत्व की रक्षा के लिए, गौ मां की रक्षा के लिए, लव जिहादियों को फोड़ने के लिए हम भी जाएंगे जेल। ये सपना आप सबका होना चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता डरो मत, जो डर गया समझो वो मर गया। हमसे मत जुड़ो, डरने वाले हमें नहीं चाहिए, वो नपुंसक है, हमें नपुंसकों की सेना नहीं चाहिए, हमें तो मर्दों की सेना चाहिए। और इतिहास मर्द लिखते हैं, नपुंसक नहीं लिखते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। अरे यहां पर जितने लोग उपस्थित हैं, कितने दिन जियोगे यार, कितने दिन, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक तो मुश्किल है आजकल के खाने के बाद में, लेकिन जब भी मरो ना इतिहास लिखकर मरो कि हम हिंदू के लिए, देश के लिए हमने ये कार्य किया। जब तुम मरोगे तो तुम
हमारे अड़ोस पड़ोस लोग ये बोलना कि ये हिंदू रक्षक आज मर गया, हिंदुत्व की सेवा करने वाला आज मर गया। चार लोग आपके लिए दीप जलाए मंदिर में, अरे ऐसी मौत मरो की मौत ना मरो। अगर मरता है तो कोई उसे नहीं पूछता है, पूछता है क्या? अरे जब शेर मरता है तभी तो हलचल होती है, तो शेर जैसी मौत मरो। जैसे आज मेरा एक सपना है, जीऊं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जैसा, जिस दिन मैं मरूं तो संभाजी राजे जैसा। ये मेरा सपना है, और केवल मेरा नहीं भारत के हर हिंदू का यही सपना होना चाहिए कि मैं जब तक जीऊं देश धर्म समाज की रक्षा के लिए जीऊं, बजरंग दल से जुड़ूं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ूं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ूं, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं देश धर्म समाज के लिए मैं जीवित रहूं। बोलो कितने लोग संघ से जुड़ना चाहते हो? ऐसे हाथ नहीं, अपनी फोन की लाइट खोलकर